हम आप लोगों से कह, मैं ये कहना चाह रहा था प्रधानमंत्री जी से, आपके माध्यम से कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी सत्ता में इसलिए आए, प्रधानमंत्री जी सत्ता में इसलिए आए क्योंकि देश की जनता जो आज इस तरफ लोग बैठे हैं उनसे दुखी हो चुकी थी, और प्रधानमंत्री जी को बड़ी उम्मीदों से इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। उसको बहुत उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री जी जो वायदे कर रहे हैं चुनाव में, उन वायदों को प्रधानमंत्री जी पूरा करेंगे। उन वायदों को तो प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया ना किया इस देश की जनता बताएगी, लेकिन जो समाज, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री से सबसे ज्यादा दुखी है और जो हम सबको सबसे ज्यादा प्रिय है, वो इस देश का किसान है। किसान आज सबसे ज्यादा दुखी है। नड्डा जी आज बोल रहे थे किसानों के लिए उन्होंने क्या क्या किया, किसान के लिए क्या कर रहे हैं, क्या योजनाएं हैं, किसान बीमा आ रहा है, किसान पेंशन योजना आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। अरे सर, मैं उपसभापति जी बोल लूं, मैं बात कर लूं अपनी, शांत हो जाए प्लीज, बधाई बाद में हो जाएगी सर, मैं थोड़ी देर रुक जा रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, मैं जब शांत हो जाएंगे तब बोलूंगा। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, लेट्स लिसन टू समबडी एल्स आल्सो। मैं किसान की जो योजनाएं इन्होंने दी हैं इन दो सालों में, उनकी बात कही नड्डा जी ने, लेकिन किसान कितना दुखी है इसकी बात उन्होंने नहीं कही। किसान आज सरकार से परमिशन मांग रहा है। साइलेंस प्लीज, आई रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस प्लीज। किसान आज परमिशन मांग रहा है, इजाजत मांग रहा है सरकार से आत्महत्या करने की, ये भी आपने इस किसान को दिया है। किसान आपके जवाब में, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, इस पे प्रश्न पूछा गया था कितने किसानों ने आत्महत्या करने की परमिशन दी है, उसका मंत्री जी ने, कृषि मंत्री ने जवाब दिया है। आज किसान इस हद तक पहुंच गया कि आत्महत्या करने की परमिशन मांग रहा है। किसान पिछले दो सालों में कितनी आत्महत्या की है आपके सामने है। ये सारी बातें आपको, आपको नड्डा जी ये भी कहना चाहिए, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में सिर्फ अच्छाई नहीं होनी चाहिए, क्या कमियां रह गई उनको भी बताना चाहिए। मुझे ये लगता है ये भी होना चाहिए कि किसान के साथ क्या नहीं हो रहा, किसान सिर्फ वोट का माध्यम हो गया है। पहले इस सरकार ने किया, अब ये सरकार कर रही है। मैं आपको आज कह रहा हूं सभापति जी, उपसभापति जी, कि ये आएगा चौथे साल में भी कहेंगे कोई ऐसी स्कीम लेके आएंगे जिससे किसानों को कहा जाएगा कि उनका ऋण माफ किया जा रहा है 60,000 करोड़, 50,000 करोड़, और किसान उन बातों में अगर आ गया तो इनको फिर से वोट दे देगा, नहीं आया तो फिर आप इस तरफ आ जाएंगे, और शायद कोई ऐसी सरकार इस बार बने जो किसानों की बातें सुने, किसान की बात सुने, किसान की बात करे। किसानों का बस भाषण और वोट नहीं लेना है। किसान आज हत्या कर रहा है, इस बात को आज सरकार स्वीकार कर रही है कि नहीं? महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्नाटक में कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कर रहा है, बुंदेलखंड, हर जगह किसान आत्महत्या कर रहा है, और हम लोग किसान की क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं। हम ये सारी बातें हैं। मैं गुलाम नबी जी ने एक बात सही कही कि हम लोग को वही योजना, अब 2050 में क्या होगा ये आप तय मत करिए, 2019 तक आप क्या करेंगे उसको तय करिए। आपने कहा 2022 तक हम लोग उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे और खाद के दाम चौगुने हो जाएं और सारी चीजें बढ़ जाएं और किसान के दाम दुगने हो जाएं। बस ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने भाषणों में, मैंने भी सुना था टीवी पे जब चुनाव में थे, कि डेढ़ गुना कर देंगे हम लोग, जो लागत है उसके डेढ़ गुना कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में आप लोग ने एफिडेविट डाल के कह दिया कि वो हम लोग से मुमकिन नहीं है। तो ऐसे वादे करें, अब माननीय प्रधानमंत्री जी को कम से कम ऐसे वादे करने चाहिए थे जिनको वो पूरा कर सके। वो आपको पता था कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री वो बनेंगे, तो प्रधानमंत्री जी को ऐसे वादे करने चाहिए थे जिनको वो पूरा कर सके। ऐसे वादे नहीं करने चाहिए कि हम लोग 15 लाख रुपए ले आएंगे जब काला धन आ जाएगा, 100 दिन के अंदर मैं करके दिखा दूंगा। जनधन योजना की आप बात करते हैं कि उसमें 22 करोड़ ने खुल गए खाते। आप लोग बार बार ये बात कहते हैं 22 करोड़ खाते खुल गए, क्यों खुले आपको पता है? एक इस देश के लोग ये सोचते थे कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बोला है कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, उस आशा में उसने आप लोग के खाते खुलवाए कि 15 लाख रुपए आप देंगे, और दो साल में माननीय आपके आपके अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, जुमला है,
जुमला ही है, आपके वादे जुमले ही है, मैं मानता हूं, और इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए आपके प्रधानमंत्री जी को, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। काला धन तो वापस आ गया, सारा आ गया। आज बात हो रही थी चिदंबरम जी का ला रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं भाई। हो सकता है वित्त मंत्री जी को कुछ सुराग मिले होंगे, कुछ गए होंगे। अब 2 साल बाद चिदंबरम जी मिले तो उन्हीं का ले आइए, कुछ तो लाइए। इस देश की जनता ये तो देखे कि आप लोग कुछ तो पैसा वापस ला रहे हैं इस देश की जनता के। मैं चाहूंगा जनधन योजना विकसित और हो, 22 करोड़ नहीं 125 करोड़ खाते खुले, वो मैं चाहता हूं हर व्यक्ति का खाता हो, और उस खाते में उस परिवार को 15 लाख रुपए मिले। मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि उनको ये पैसा जरूर मिले। ब्लैक मनी कितना आया? 6000 करोड़ आया, और उससे ज्यादा मेरे ख्याल से मैंने सुना कि बाहर चला गया, HSBC का घोटाला हुआ है, उससे ज्यादा बाहर चला गया। आप तो ले तो नहीं आ पाए, आप रोक भी नहीं पा रहे, कम से कम उसको रोकिए। इस देश का पैसा इस देश में रहे, इस देश का काला। आपने कहा था कि हम लोग ऐसी योजना नहीं लाएंगे इस बजट में, मैं सुन रहा हूं, मैं फाइनेंशियल विजर्ड नहीं हूं, लेकिन मैं सुना है कि फिर से कोई योजना आ रही है कि आप अपना काला धन की घोषणा कर सकते हैं। जिसके पास काला धन हो, ये किसके के लिए किया गया ये तो आप लोग बताएंगे, आपकी सरकार बताएगी, क्योंकि इस देश के 70% लोग, 75% या 90% लोग के पास काला धन नहीं है। 90% लोग कितना खाना खाते हैं, कितने का खाना खाते हैं आप लोगों को पता है, कितना उनके पास है पैसा। मैं वही कह रहा हूं, उनके लिए तो योजना है, ये योजना किसके लिए दी गई है कि काला धन आप लोग अपना सरेंडर कर सकते हैं 4 महीने के लिए, क्षमा योजना, ये किसके लिए है, मैं ये जानना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। हाँ वही मैं कह रहा हूं ना, तो कहें अमीरों के लिए ना, किसानों के लिए तो आत्महत्या करने की योजनाएं आ रही है ना, ये मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या योजनाएं आ रही हैं, ब्लैक मार्केट, मैं ये कह रहा हूं कि उनके लिए क्या योजनाएं आ रही हैं, वो मैं एक बात जो आज सुबह भी प्रश्न पूछा गया और मुझे बड़ी चिंता में, इसके लिए पिछले सत्र में भी प्रश्न मैंने पूछा था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, इसकी कोई पता नहीं अभिभाषण में है कि नहीं, मैंने ध्यान से पूरा पढ़ा था लेकिन ये इसमें कहीं आया नहीं कि ये क्या हो रहा है पैसा। नड्डा जी ने बताया, वो सुबह मंत्री जी ने बताया कि उसका 50% हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी ने बताया कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये देश के लोगों से आपने वायदा किया था कि ये मार्केट से गवर्न होगा, जो विदेश में क्रूड ऑयल का होगा वो पूरा लाभ आप लोगों को देंगे यहाँ पे। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा और कहीं से लाइए? अगर $160 से $29 पे आ गया है बैरल, तो उसका फायदा इस देश के लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए वो फायदा, क्यों? और अभी हम तो, मैं यही जानना चाहूंगा, वो उसको भी बताएं प्रधानमंत्री कि ये जो 51% ये जो या 60% कहा उन्होंने कि जहां खर्च हो रहा है उसको बताएं कहां खर्च हो रहा है, हम लोग भी दे देखें कौन से प्रदेश में लग रहा है, कहां लग रहा है, कौन सी सड़क में लग रहा है, इसकी घोषणा होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। नहीं तो ये आप में आरोप आएगा कि आप लोग इनके वहां तो घोटाले हुए थे, आपके घोटाले फिर आने लगेंगे कि अभी तो 2 साल हुआ, हो सकता है आगे भगवान ना करे घोटाले हो इस देश में, अब कि आप लोग की तरफ से घोटाले होने लगे कि 2 लाख करोड़ का घोटाला। मैंने तो सुना कि बड़े लाखों करोड़ों रुपए इससे आ रहे हैं, इससे बच रहे हैं, वो कहाँ खर्च हो रहा है ये देश को बताना बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मुझे याद है अभी भी, कि डॉलर के दाम ऐसे गिर रहे हैं। प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ सर, नहीं एड्रेस दे, मैंने ना, अच्छा देखूं भी आपको सर, सर कभी कभी हो जाता है, आप ज्यादा उधर देख रहे हैं, नहीं नहीं सर, अब मैं चलिए हाँ, मैं आपकी तरफ देख के बोलता हूँ कि केशव राज जी बोल रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव है इसलिए आपकी तरफ देखूं, नहीं पर चेयर को देखना जरूरी है जी जी, मैं अच्छा भी नहीं लगूं तो अभी देखे, मेरी मजबूरी है जी। मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि डॉलर के दाम ऐसे गिर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री जी, माननीय उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी चाहते हैं कि अपनी उम्र के बराबर, मुझे भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी उम्र तक रोक लेंगे, उनकी उम्र 68 साल है, 68 के नीचे ही अभी,
मेरे को पूरी आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी उम्र तक रोके रखेंगे कि अभी तो जिस तरह चल रहा रुपए का, मुझे नहीं लग रहा कि किसकी उम्र तक, अडवाणी जी की उम्र पे तक जाके रुकेगा कि कहाँ रुकेगा, मुझे पता नहीं चल रहा। मुझे एक और चीज नहीं अभी इस सरकार में समझ आ रही, बार बार इसकी सरकार और वित्त मंत्री जी कहते हैं जीडीपी। मैं इनसे माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग बलिया से आते हैं, हम लोग की वित्त की इतनी जानकारी नहीं है। जीडीपी मुझे अभी तक नहीं समझ में आता है, ये कैसे जीडीपी बढ़ रहा है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, ये खुद ही एक सरकार कह चुकी है। हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ये खुद सरकार मान चुकी है। तो जीडीपी कैसे बढ़ रहा है? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रही बात। वैल्यूएशन बढ़ा रहा है, वित्त मंत्री से नहीं पूछूं, वित्त मंत्री से ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री से मत पूछूं, अपने नेता से पूछूं। आप उनकी बात पर मत जाइए, आप अपने बात। मैं तो कह रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये क्यों, कैसे बढ़ रहा है, ये क्या राज है? नहीं, ये क्यों, या कुछ जीडीपी बताने का तरीका कुछ बदल गया इस सरकार के आने के बाद? क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा मानक नहीं दिखाई दे रहा है कि इस सरकार के आने के बाद वो ठीक हो गया। आप सब मानते हैं, इन्होंने अपने उत्तर में दिया है, कॉमर्स मिनिस्टर ने, इंडस्ट्री मिनिस्टर ने, कि हर चीज कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इन्होंने माना 17-18% हर बार कम हो रहा है। तो ये जीडीपी कैसे बढ़ रहा है, ये मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा। यहां चाइना का सामान बिक रहा है, ये कहा जाता है मेक इन इंडिया, और चाइना से और चीजें मंगाई जा रही हैं, चाइना का सामान बिक रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मेक इन इंडिया हो तो देश की वस्तुएं इस्तेमाल करें। हम लोग तो समाजवादी लोग हमेशा ये कहते हैं कि स्वदेशी चीज का इस्तेमाल करो, स्वदेशी चीज का इस्तेमाल करो, स्वदेशी को लाओ। हम लोग ने तो माननीय माननीय मनमोहन सिंह जी की जो नीतियां था उसका विरोध किया था। हम लोग तो कहते हैं लिबरलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा ये मतलब है कि यहाँ की इंडस्ट्रीज को बंद कर दो, यहाँ की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बंद हो गई, यहाँ की यूरिया जो बनती थी वो सब बंद हो गया, सारा गोरखपुर हमारा एक कारखाना था पूरा का बंद हो गया, सारी चीज इम्पोर्ट हो रही है। हम चाहते हैं कि उनको कराजा मेक इन इंडिया है। हमारे यहाँ किसान, अभी गन्ना की बात हुई कि गन्ना के लिए मैं स्वागत करूंगा उसका, मैं जरूर कहूंगा सरकार ने कुछ ऐसा नहीं कि सारे खराब काम किए, जैसे ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार ने तो पूरा भंटाधार कर दिया। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से कहूंगा कि आप हम लोग को एक बात तय कर लेनी चाहिए, और पुस्तकों में एचआरडी मिनिस्टर ने उनसे रिक्वेस्ट करता कि भारत कब आजाद हुआ, कि तिथि बदल लेनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ, मुझे लगता है 16 मई 2014 को आजाद हुआ, उसके बाद ही काम हो रहा है, उसके पहले कुछ काम नहीं हुआ इस देश में, कुछ प्रगति नहीं इस देश ने की, इस देश ने कुछ काम ही नहीं किया, इस देश में कुछ हुआ ही नहीं इस देश में। अब मैं तो हैरान था उस दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलयान का कह रहे थे, मंगलयान पहुंच गया, हमने पहुंचा दिया। भैया मंगलयान 3 साल पहले गया था, इस सरकार ने भेजा, तो यूपीए सरकार ने ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 16 मई को भेजा गया और जुलाई में वो भाषण दे रहे थे, मंगलयान मंगल ग्रह पे उतर गया। ये भाई जो उपलब्धियां इनकी हैं उनको मानिए, और हमेशा विरोध की भाषा मत बोलिए, हमेशा ये कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने करप्शन की, इस सरकार ने भी किया। अभी नड्डा जी कह रहे थे कि आसियान, G20, G8, ये आप पहुंचे हैं तो इस सदन में बैठे हुए आप लोग कभी इनकी तारीफ नहीं करते। मैं करता हूं कि माननीय मनमोहन सिंह जी की वजह से आप यहां पहुंचे हैं, और वहां तक पहुंच के हम भी विदेश जाते थे, जब मनमोहन सिंह जी के पहले हम भी विदेश जाते थे, और क्या हमारे देश के लोग विदेशों में क्या बातें करते थे हमने भी देखा है। माननीय मनमोहन सिंह जी ने इस देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, आज उस व्यक्ति को भी आप लोग नहीं छोड़ते, ये मैं कहना चाहता हूं। हमेशा द्वेष की बात मत करिए, हमेशा लड़ाई की बात मत करिए। हम सब लोग कितने राष्ट्रवादी हैं ये हम लोग आपसे नहीं जानना चाहते, हम कितने राष्ट्रवादी हैं हम सब जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी हूं, तब तक एक सीएम बोल देते हैं कि मैं उनसे भी बड़ा समाजवादी राष्ट्रवादी हूं, तब तक एक नेता बोलते हैं कि मेरे दिल में ही तिरंगा बसता है। मैं ये कह रहा हूं कि असली राष्ट्रवादी वो है जो जैसलमेर के रेगिस्तान में इस देश की रक्षा कर रहा है, असली राष्ट्रवादी वो है जो सियाचिन पे बैठा हुआ इस देश की रक्षा कर रहा है। एक दिन आप जाके वहां रह सकते हैं
प्रधानमंत्री जी रह सकते हैं और जितने लोग हम लोग यहां खड़े हैं, एक दिन हम लोग जैसलमेर गए, आप एक व्यक्ति वहां जाके रह सकता है? बस ये बस रहेंगे बस वही बोलेंगे, आप लोग तो यही बोलेंगे, राष्ट्रवाद यहां बोलने से नहीं होगा, करके दिखाने से होगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। सही कह रहे थे आदरणीय गुलाम नबी जी कि आप अपने जब अपने सत्ता में जब विपक्ष में रहेंगे तो गर्दन काटने की बात करेंगे। और माननीय मंत्रियों को भी भाषा पे अपने नियंत्रण होना चाहिए। उपसभापति जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप उनकी बात पे मत जाइए, आप तो मैं बात कर रहा हूँ मैडम, आई विल रिक्वेस्ट नो कमेंट्स, मैं आई विल रिक्वेस्ट नो कमेंट्स प्लीज। मैं यही कह रहा हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जब मैं उनका बार बार देखता हूँ और फेसबुक पे और ट्विटर पे बहुत चलता है वो कि बिरयानी नहीं खानी चाहिए, जो बोला ना मुझे, हम लोगों को बिरयानी नहीं खानी चाहिए, उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। आप अफगानिस्तान से लाहौर चले गए क्या क्या करने, और जब मनमोहन सिंह जी कहते थे, मुझे आज भी याद है, हम लोग दूसरे सदन में थे, जब बोलते थे कि हम लोग को वार्ता करनी चाहिए तो आप लोग कहते थे कैसे वार्ता कर लेंगे आप वहां के राष्ट्रपति को कैसे आप न्यूयॉर्क में मिल लेंगे, तब आप लोग हर चीज तय करते थे। अब आप जो कर सकते हैं, आप पाकिस्तान जाके मिल सकते हैं, उसके बाद घटनाएं हो तब भी आप कहेंगे वार्ता करनी होनी चाहिए। NSA, मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री से बड़े इस देश के NSA हैं, वही तय करते हैं कि इस देश की विदेश नीति क्या होनी चाहिए और विशेषकर पाकिस्तान से क्या नीति होनी चाहिए। इस देश की पाकिस्तान की नीति और लोग भी आपसे बेहतर जानते हैं, इनसे भी बात करिए। पाकिस्तान की बात आप बिल्कुल अपने अपने कोटरी में नहीं कर सकते, लोगों विपक्ष से भी बात करिए। पाकिस्तान, हम तो हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान से समझौता होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, अगर पड़ोसी हम लोग का साथ चलेगा तो इस देश में सियाचिन में कितना पैसा खर्च, इस देश में टेररिज्म को रोकने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा, अगर हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि इसके हम लोग को साथ मिलकर चलना चाहिए, ये बात तो कहीं इस भाषण में है नहीं। कैसे हम लोग साथ आगे चलेंगे, बस वहां जाकर लाहौर में केक खाने से तो समझौता हो नहीं जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तय होना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ेंगे और उसके लिए सबके साथ मिलिए। राष्ट्रवाद अब आज नया टॉपिक है और मेरे को हैरानी है कि ये बात इस भाषण में नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई? राष्ट्रवाद अगर आप तय करेंगे तो आपको बताना चाहिए कैसे होना चाहिए राष्ट्रवाद। सब लोग राष्ट्रवादी हैं, हम लोग भी तो हैं, हम लोग इस देश का बुरा चाहते हैं कि बस भाजपा और जो RSS और बजरंग दल और VHP यही राष्ट्रवाद है। जो लोग एक समय ये नहीं कहना चाहते थे कि माइनॉरिटी की जो आज समस्या है, आप लोग कहते हैं, अभी माननीय मंत्री भी बोल देते हैं और जो वहां चले जाओ पाकिस्तान चले जाएंगे तो कौन रामजादे हैं और कौन क्या है, ये सब आपके मंत्री बोल लेते हैं, किसके सर काट देने चाहिए, किसके पैर काट देने चाहिए, किसकी गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, ये माननीय मंत्री तय करेंगे कि कौन कैसे बात चलेगी। मैं चाहता हूं कि इस पे भी एक बात होनी चाहिए, इस पे भी बहस होनी चाहिए कि राष्ट्रवाद कैसे होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जो उनका भाषण था कि राष्ट्रपति जी का जो भाषण था, मैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी से पूछने में हम लोग यही लगता है कि उसी की बात करें। सबका साथ सबका विकास, किसका विकास हुआ है इन 21-22 महीनों में आप सब लोगों के सामने, क्या जो इन्होंने कहा था रोजगार देंगे, रोजगार दिया इन लोगों ने? स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मानी मैं ये मेरा भी था कि स्किल डेवलपमेंट तो पहले से चल रहा है, मानी मनमोहन सिंह जी ने पहले 30,000 करोड़ रुपए दिया था उसके लिए, जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिएगा। आपके यहां तो अभी इस बार कितना 1700 करोड़ दिया गया है बस, जो ये क्या मतलब 30,000 करोड़ एक व्यक्ति दे रहा है तो उसने कुछ नहीं किया, आप 1700 करोड़ दे रहे हैं तो आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो मैं ये कह रहा हूं इस चीज को आप लोग मान लें, और खास तौर की सब लोग चले गए, मैं ये कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों से और NDA के लोगों से कि जो योजनाएं आप गिनाते हैं वो पहले से चल रही हैं, उनका नाम बदलने से योजनाएं खत्म नहीं हो जाएंगी, योजनाएं पहले से चल रही हैं।
एक योजना अभी भी आप उसको पैसा दे रहे हैं मनरेगा की, हम लोग भी उसके विरोधी थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनरेगा की योजना अच्छी योजना थी। पहले दिन मैं आश्चर्य है मुझे इस बात का, जिस तरह प्रधानमंत्री जी बखान कर रहे थे उस योजना का पहली बार, कि मैं ये योजना इसलिए रखना चाहता हूं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितनी खराब योजना है। आज उस पर पैसा बढ़ा के दिया जा रहा है, क्यों? लोगों को भिखारी बना दिया गड्ढा खोदने के लिए, और उस पर 38,000 करोड़ या 40,000 करोड़ कितना और कह रहे हैं अगर और पैसा चाहिए तो। अगर इतनी खराब योजना है तो उसको बंद करिए। अगर इस देश का पैसा बर्बाद हो रहा है तो इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, अगर बर्बाद हो रहा है तो उसको बंद करिए, उस योजना को बंद करिए, कोई नई योजना लाइए जिससे इस देश का विकास हो। आप मेक इन इंडिया का नड्डा जी बोल रहे थे कि मैं उसी लिए हैरान रह गया, मेक इन इंडिया 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई है। मैंने कहा ये कब हुआ भाई, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 15 लाख करोड़ का अगर मैं करूं तो $220 बिलियन उसके करीब हो गया, $220 बिलियन। ये कब आया, 21 महीने में कब हुआ, मुझे कोई पता ही नहीं। इसीलिए मैंने बीच में टोका, मैं नहीं टोकना चाहता था नड्डा जी को। मैं ये अभी लोगों ने कमिट किया है, कमिट तो आपको पता है कमिट का कमिटमेंट का क्या होता है। जब चीन के राष्ट्रपति यहां आ रहे थे उन्होंने कहा था कि मैं 100 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा हिंदुस्तान में, और यहां से अब आए उन्होंने 20 बिलियन पे आ गए, और अभी तक कितना हुआ है मनसुख जी आपको पता होगा कितना इन्वेस्ट किया अभी तक उन्होंने। मैं यही कह रहा हूं कितना इन्वेस्ट किया, अंत में कितना आता है ये आप सब लोगों को पता है। ये इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आंकड़ों पे मत जाइए, इस देश की वास्तविकता क्या है उस पे जाइए, क्या हो रहा है इस देश में उस पे जाइए। इन 21 महीनों में भाईचारा आपस में कैसे लोगों से और मिलके चला जाए, मैं ये सोचता था जब माननीय प्रधान मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे कि ये जरूर बदलेंगे, जो एक ढर्रे पे ये लोग चलते थे उसको जरूर ये बदलेंगे, कि वो नहीं कि सब समाज के हर वर्ग को लेके चलेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबको लेके चलेंगे मोदी जी। और ये विश्वास इस देश की सारी जनता को था, एक एक व्यक्ति को था। मुझे आज भी याद है, मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि मैं मेरे लिए कैंपेन कर रही थी और मंदिर में गई, हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, उनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, वो आया हनुमान जी को हाथ जोड़ के कहा, वो पहचानता था कि कौन ये महिला है, कहता है भगवान इस बार मोदी जी को लाना। उस व्यक्ति के बलिया में उस व्यक्ति की ये आशा थी कि मोदी जी सरकार में आए, और वो व्यक्ति मैं भी उसको जानता हूं, मेरे साथ हमेशा रहा, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था कि मोदी जी सरकार में आए। इतना विश्वास के साथ इस जनता ने आपको चुना है, इसका ध्यान रखिए आप, उसका ध्यान आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। आज वही जनता आप कह रही है कि अब 2019 का इंतजार कर रही है, ये 21 महीने में हो गया। मैं सोचता था अगर कुछ बदलाव होगा तो चौथे साल में होगा, लेकिन 21 महीने में दिल्ली की जनता ने, बिहार की जनता ने, और आने वाले चुनाव में सारी जनता बताएगी कि 21 महीने में क्या बदलाव हुआ। मैं ये कह रहा हूं, ये इसको आपको सोचना पड़ेगा। अभी आप हंस रहे हैं, लेकिन जब आसाम के रिजल्ट आएंगे, तमिलनाडु के रिजल्ट आएंगे, तब पता आपको चलेगा, केरला के रिजल्ट, उत्तर प्रदेश के बाद आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोग से यही आशा करता हूं, मैं आशा करता हूं, लेकिन मुझे मैं जानता हूं, क्योंकि मैं 21 महीने में आपने विश्वास न केवल मेरा, पूरे देश का, हो सकता है दुनिया में जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि अब देश की इतनी तारीफ कर रहे हैं वहां जाकर भाषणों में, मेरे को कभी ये माननीय प्रधानमंत्री से आशा नहीं थी कि अगर कुछ भी अपने देश में हो रहा है तो अपने देश की बात है। आप अमेरिका में जाकर भारत की बात कर रहे हो, भारत क्या हो रहा है, करप्ट है, और मैं आया हूं तो बिल्कुल भारत को मैंने स्वच्छ कर दिया है, स्वच्छ भारत चल रहा है, वहां पर योगा चल रहा है, और उसके पहले तो यहां कुछ होता ही नहीं था। ये 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 किसी प्रधानमंत्री को कहना चाहिए? आप इस देश की छवि खराब कर रहे हैं। इस देश की छवि बढ़ाना आपका कर्तव्य है, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य इस देश के कैसे उन्नति के मार्ग पे ले जाए, विकास के मार्ग पे ले जाए, ना कि इसलिए आप पॉइंट स्कोर करने के लिए
कि मनमोहन सिंह जी तो कुछ नहीं काम नहीं किया, इन्होंने तो बढ़ावा दिया करप्शन को, काम मैं कर रहा हूं। ये माननीय ये, ये 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 अगर एक प्रधानमंत्री की भाषा होगी तो ये अच्छी भाषा नहीं, मैं ये मानता हूं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को बड़े दिल का होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ गोरखपुर में आके कहा था, गोरखपुर में कहा था मेरे ख्याल कि 56 इंच का सीना है मेरा। माननीय नेताजी इन कामों करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए। 56 इंच के सीने से कुछ नहीं होगा, बड़ा मन होना चाहिए, हो तभी तो मना बड़ा मन होना चाहिए, बड़े काम करने का मन होना चाहिए। आप अब मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री जी आते हैं विदेशों में, किसी साधारण व्यक्ति का नाम लेते हैं कि दमाद जी, प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि दमाद जी की बात कर रहे हैं। कौन दमाद जी भाई? आप जाके अमेरिका में दमाद जी की बात कर रहे हैं? आप यहां आके लड़िए, अगर कुछ करना है तो करिए जी। कितने देर नहीं, नहीं, मेरा 43 मिनट समय। आप बोल रहे हैं जी, जी आप मेरे को नहीं, मैंने कहा कोई बात हो गई है, अभी तो 26 ही मिनट हुए हैं हमारे एक और सदस्य को, मैं अपने समय का अंदर अंदर सब खत्म कर दूंगा। बिल्कुल, मेरे को ज्यादा नहीं बोल, नहीं मैं भी नहीं कह रहा हूँ जी, मैं आप कुछ बोले इसलिए मुझे लगा सर, सॉरी। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी भाषण होंगे, प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी छवि के व्यक्ति हैं, इसलिए मन बड़ा करिए। हम लोग ने तो बड़ों से सीखा है कि जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वो और झुकता है, वो और विनम्र होता है। जैसे कहते फलदार वृक्ष हमेशा विनम्र होता है और झुकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे कई कैबिनेट मंत्री तो और अकड़ते जा रहे हैं कि हम तुमको देख लेंगे, तुमने मुझे पत्र लिखा। अरे विनम्र होइए, शांति से बात करिए। आप बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, हम लोग आपकी बात सुनने के लिए यहाँ हैं। आप कहेंगे हम लोग, और पत्र लिखना और ये काम करना तो एक सांसद का फर्ज है, हम लोग लिखेंगे, काम होगा तो हम करेंगे। मैं यही बातें आपके माध्यम से सरकार को, सरकार इन 21 महीनों और मैं ये उपसभापति जी अब आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इस देश में आज जो हो रहा है, मेरे पास जो माइनॉरिटी है इस देश की, जो लोग आज डरे हुए हैं, मैं सोचता था कि प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कुछ करेंगे। आज समाचार पत्रों में निकल रहा है कि अगर वो एक मारते हैं तो हम 10 मारेंगे। और ये किस लिए हो रहा है, इस देश का एक एक नागरिक जानता है, और विशेषकर जो उस तरफ लोग बैठे हैं सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है कि एक अगर वो एक मारते हैं तो 10 मार। ये क्यों बोला जा रहा है, इस सरकार के लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि चाहते हैं कि इस देश में दंगा हो? ये चुनाव के लिए वोट के लिए राजनीति ना करें, इस देश में भड़काऊ भाषण दे के भाई भाई को ना लड़ाए, मैं ये चाहता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा था कि इस पे अगर मानी भाषण तो ये सब चीजें होनी चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश में। आज जगह जगह लोग इसलिए उत्तेजित हैं कि हमारा कल कैसा होगा, अगर कोई बोल देता है तो उसमें उस व्यक्ति के तो ऐसा उत्पीड़न हो रहा है फेसबुक पे और इस पे कि वो आदमी तो सच में सोच रहा कि मैं छोड़ के भाग जाऊं। एक किसी फिल्म अभिनेता ने बोल दिया कि उसकी पत्नी ने बोल दिया कि मुझे डर लग रहा है घर देश, अब बोल दिया तो बोल दिया, हर व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है, हमारा देश इतना कमजोर है कि अगर कोई ये बोल देता कि मैं अगर उस व्यक्ति को लगता नहीं है सुरक्षित तो छोड़ के चला जाएगा वो, इतना उसका इशू बनाने की क्या जरूरत है। उसको अमूल इंडिया से हटा दिया गया, एक समय आप ही लोग थे जब सत्यमेव जयते में वो बोलते थे तो आप सब लोग बड़े खुश होते, वेरी गुड बहुत अच्छा बोलता है, और आज वो अगर वो बोल दे तो खराब आज व्यक्ति हो गया। मुझे इस देश इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनटॉलरेंस की डिबेट नहीं हो पाई, मैं उस पर भी बोलना चाहता था, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में हुई, राज्यसभा में नहीं हो पाई, उस पर हम लोग को बोलना चाहिए था। आज पूरे देश में ये माहौल है कि अगर आप कुछ सरकार के खिलाफ बोल देंगे, आप सोशल मीडिया उठा के देख ली, देशद्रोही हो जाएंगे आप। ये कोई बात है, इस देश में कोई बात अपनी नहीं कह सकता। वो कन्हैया जो बोला उसने, उसमें तो मैंने भी सुना कि उस कन्हैया की बात मैंने भी सुनी, उसमें तो कह रहा है कि गरीबी से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, सांप्रदायिकता से आज़ादी, तो इसमें क्या खराब बोल रहा है? नहीं उसने नहीं मांगी है, मैंने जो आज सुना है उसमें उसने कहीं नहीं बोला। और कई लोग अगर उसमें कोई लोग बोल भी रहे तो उनके खिलाफ करिए। इसलिए पूरे उमर अब्दुल क्या नाम है उमर
उमर खालिद उमर, खालिद उमर अगर अगर वो अगर दोषी पाया जाता उसके खिलाफ करिए, उसके लिए पूरी जमात को आप दोषी बना देंगे, सोशल मीडिया पूरे संस्थान को, पूरे संस्थान और पूरे देश में लोगों को बनाया जा रहा है, इसलिए बना देंगे आप इस देश के वो जो माइनॉरिटी में लोग रह रहे हैं, इस देश के 25-30 करोड़ लोग वो इस देश के वासी नहीं है क्या? थैंक यू। नहीं क्यों सर, अभी तो 13 मिनट हैं, इनको भी टाइम, मैं टाइम दूंगा आप उसकी सर, मैं बिल्कुल, आप अगर टाइम कम हो तो जितना टाइम होगा उतना ही बोलेंगे, मैं 10 मिनट तो देंगे इनको भी सर अगर मैं अब सर यही मैं अगर मेरा अगर पार्टी का टाइम अगर मैं पूरा बोल जाता हूँ तो नहीं बोलेंगे, यही होता है, तो ये समय देखिएगा सर, मैं आज अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मुझे पता है कि कई लोगों को परेशानी हो रही होगी मेरे भाषण से, लेकिन चेयरमैन साहब मुझे आशा है कि आपको वहां बैठकर मेरे भाषण से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का कि नहीं नहीं आप मैं आपके मैं हमारे सीनियर कोलीग हैं, मैं भी चाहता हूं कि ये बोले, मैं अंत में बस यही कहना चाहता हूं इनटॉलरेंस की बात पर, और इसको आप गंभीरता से मत लीजिएगा, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बड़े संजीदा बातें हो गई, ये बड़ी सीरियस बातें हो गई, अंत में मैं यही बात कहना चाहता हूं अपने भाइयों से और माननीय प्रधानमंत्री से विशेषकर, कि प्रधानमंत्री जी कोशिश करिए कि जो आपने भाषणों में अपने चुनाव के पहले बोला था उस पर अमल करें, छोड़ दीजिए, अगर आप उसमें से एक दो भी जो आप घोषणाएं आपने उस समय की थी 15 लाख किसान मजदूर नौजवान अगर एक भी आप कर देंगे ना तो आपको इस देश की जनता हमेशा याद रखेगी, लेकिन 21 महीनों पे उसे एक काम नहीं हुआ है। मैं अशुभता पे अंतिम बात अपनी कहते कितनी बढ़ गई है इस देश में कि आजकल हमारे एक अभिनेता हैं शाहरुख खान जी, वो भी गाने लगे हैं रंग दो गेरुआ, धन्यवाद, जय हिंद। आई एम टेकिंग इट पर्सनली सर, आई एम टेकिंग इट पर्सनली, आई टेल यू व्हाई, कैसे इस्तेमाल किया इस बच्चे का, उसका आज प्रमाण देती हूं।